CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है दसवीं कक्षा के लिए उर्दू की सहायक पाठ्य पुस्तक गुलजार उर्दू भाग दो। पेश है दसवीं जमात के लिए उर्दू की मुआविन दर्सी किताब गुलजार उर्दू। अब प्रस्तुत है गुलजार उर्दू भाग दो का दूसरा पाठ, अजीम बेग चुगताई, सफा नंबर 11। तारुफे अफसाना निगार अजीम बेग चुगताई। अजीम बेग चुगताई पैदाइश 1895, इंतकाल 1941। अजीम बेग चुगताई जोधपुर राजस्थान में पैदा हुए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बीए और एलएलबी की डिग्रियां हासिल कीं। जज के ओहदे पर फाइज हुए। अजीम बेग चुगताई वाकयात का बयान हल्के फुल्के और मजाहिया अंदाज में करते हैं। उनके मजामीन हों, अफसाने या नॉवल हों, ये खसूसियत हर जगह बरकरार रहती है। ऐसा लगता है कि कोई शोख मिजाज शख्स अपनी और अपने साथियों की शरारतें बयान कर रहा है। अजीम बेग चुगताई के किरदार हमेशा ऐसी हरकतें करते नजर आते हैं जिन पर बेसाख्ता हंसी आ जाती है। उनके बास तहरीरों में तंज भी है लेकिन तीखापन नहीं। अजीम बेग चुगताई की तसानीफ में कोलतार, खानम, शरीर बीवी, जन्नत का भूत, मिर्ज़ा जंगली और रूहे ज़राफ़त को बेहद मकबूलियत हासिल हुई। मज़ाही निगारी के अलावा कुरान और पर्दा, हदीस और पर्दा जैसी मजहबी और संजीदा किताबें भी उनकी यादगार हैं। सफ़ा नंबर 12। अफसाना, फ़कीर, अफसाना निगार, अजीम बेग चुगताई। आइए अब सुनते हैं अफसाना निगार अजीम बेग चुगताई का अफसाना फकीर। एक रोज का जिक्र है कि मैं गुसलखाने से नहाकर बरामदे में जो निकला तो किसी फकीर ने सड़क पर से खिड़की की चिलमन में शायद परछाई या जुम्बिश देखकर सदा दी, एम आई तेरे बेटा होवे। दरहाल ये कि ना तो यहां कोई माई थी और ना किसी को ये घबराहट थी कि एक अदद लड़का खामुखां तवल्लुद होता फिरे। दरअसल ये फकीर उनमें से था जो मांगना भी नहीं जानते। जरा इस अहमक से कोई ये पूछता कि बेवकूफ, ये कौन सी अकलमंदी है कि किसी सुराख में से कोई भी हिलती चीज देख पाई और बेटा बेटी तकसीम करना शुरू कर दिए। फिर मुझे फकीरों से वैसे भी बुगस है, क्योंकि जब कभी मुझे कोई फकीर मिलता है और मैं उसे देखता हूं तो ऐसा पाता हूं कि मुझसे दो को काफी हो। चुनांचे मैंने खिड़की की सलाखों में से चिक उठाकर इस नियत से देखा कि उससे ये क्यों ना पूछ लिया जाए कि नौकरी करेगा। लेकिन जब मैंने देखा तो एक काबिले रहम हस्ती को पाया, एक फाकाजदा, ज़ईफ़ुल उम्र, चीधड़े लगाए, बेकसी और बेबसी की जिंदा तस्वीर था। सच है, इन लोगों को मांगना भी नहीं आता। ना तो ये कोई उम्दा गीत जानते हैं, ना कोई लय जानते हैं, ना ही सदा जानते हैं। बस लिए और दांत निकाल दिए, ये दिखाने को कि देखो हम भी इस दुनिया में रहते हैं और यूं रहते हैं। मुझे उसकी हालत जार देखकर बड़ा रहम आया और मैंने उसे कहा कि घूम कर सदर दरवाजे पर आ जाए। सुबह का वक्त था, मैं तो चाय पीने लगा और घरवाली से कहा कि एक इंतहा से ज्यादा काबिले रहम फकीर आया है, उसे दो चार पैसे दे दो और सुबह का वक्त है, दो तोस और एक प्याली चाय दे दो। जितनी मुश्तंडे फकीरों से मुझे नफरत है उससे दोगुनी नफरत मेरी बीवी को है,
اور اسی مناسبت سے ان فقیروں یعنی محتاجوں سے الفت ہے جو واقعی رحم و کرم کے مستحق ہیں۔ خانم نے فقیر کا نام سن کر جلدی جلدی دو گرما گرم توست کو انگیٹھی پر سینک کر خوب مکھن لگایا اور ایک پیالی میں خوب بہت سا دودھ ڈال کر چائے بنا دی اور مزید برآں کچھ مٹھائی بھی رکھ دی اور سینی میں 4 پیسے رکھ دیے اور لڑکے سے کہا کہ فقیر کو صدر دروازے سے اندر یعنی برآمدے میں بٹھا کر کھلا دے۔ صفحہ 13۔ اب قسمت تو ہماری ملاحظہ ہو کہ وہ غریب محتاج جسے میں نے بلایا صدر دروازے کی پشت پر تھا۔ گھوم کر آ جانا اس کے لیے مشکل ہو یا آتے میں کسی دوسرے سے مانگنے لگا ہوگا یا پھر اپنی راہ کھوٹی نہ کرنا چاہتا ہوگا۔ قصہ مختصر، وہ تو آیا نہیں اور اس کے بدلے پھاٹک میں ایک اور فقیر صاحب داخل ہوئے اور اپنی صدا لگانے بھی نہ پائے تھے کہ کتے نے ان کا استقبال کیا۔ ان کے پاس ایک موٹا ڈنڈا تھا، اس کے 2-4 ہاتھ نہ گھمائے تھے کہ لڑکا ناشتہ لے کر پہنچ گیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک فقیر صاحب گلے میں مالا ڈالے، موٹا سا فقیرانہ ڈنڈا اور فقیرانہ لباس، گلے میں جھولی، ہاتھ میں چمل، تہمت باندھے موجود ہیں۔ اس نے کتے کو ڈانٹا اور کہا، سائی جی برآمدے میں آ جاؤ۔ سائی جی نے غنیمت سمجھا اور ناشتہ شروع کیا اور ادھر میں نے خانم سے کہا کہ پرانا سویٹر اور ایک قمیض فقیر کو اور بھیج دو، سردی کا وقت ہے اور غریب مر رہا ہوگا جاڑے میں۔ خانم نے جلدی سے قمیض اور سویٹر پرانا لیا اور لڑکے کو دے دیا۔ میں نے لڑکے سے پوچھا، فقیر کیا کہتا ہے؟ لڑکے نے کہا، خوب دعائیں دے رہا ہے اور کھا رہا ہے۔ لڑکا قمیض اور سویٹر لے کر پہنچا اور وہ بھی فقیر صاحب کی نظر کیا۔ اتنے میں چائے پی کر باہر نکلا کہ فقیر کو گرم کپڑے پہنے ہوئے دیکھنے سے جو خوشی حاصل ہو سکتی ہے اس سے لطف اٹھاؤں۔ میں باہر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک ہٹا کٹا انتہا سے زیادہ مضبوط فقیر ڈکاریں لے رہا ہے اور سویٹر اور قمیض ہزاروں دعاؤں کے ساتھ لپیٹ کر جھولی میں رکھ رہا ہے۔ دراصل یہ مشٹنڈا صرف ایک سینہ کھلی فقیروں والی کفنی پہنے ہوئے تھا اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ صبح کی سرد ہوا سے لطف اٹھا رہا ہے۔ سینہ بالشت بھر اونچا، داڑھی منڈی ہوئی، بلے چڑھے ہوئے۔ صفحہ 14۔ مجھے دیکھتے ہی حضرت لگے مجھے دعائیں دینے۔ اب میں آپ سے کیا عرض کروں، سارا کھایا پیا خون ہو گیا، جان سلک کر رہ گئی۔ جی میں تو یہی آیا کہ اس کمبخت کا منہ نوچ لوں۔ ڈنڈا اور چمل اٹھا کر لگے حضرت دعائیں دے کر رخصت ہونے، دعاؤں میں مبالغہ اور غلو سے میری اور بھی جان جلی۔ اتنے میں خانم نے بھی جھانک کر دیکھا، وہاں بھی یہی حال ہوا۔ اب بتائیے کیا کیا جا سکتا تھا؟ یہ ناممکن تھا کہ میں ان حضرت کو اس طرح ستم توڑ کر چلا جانے دوں۔ میں اسی ششوپنج میں تھا کہ میرے ایک دوست بھی آ گئے۔ میں نے 2 لفظوں میں فقیر کی ستم آرائی بیان کی اور پھر فقیر سے کہا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ سادہ لوہی تو دیکھیے کہ یہ حضرت اس ریمارک کو سن کر اپنے تہمت کی طرف متوجہ ہو کر محض میری جان حزین پر کرم گستری کے خیال سے ذرا نیچے کر لیتے ہیں۔ کمبخت، میں نے اور بھی جل کر کہا، اتنے موٹے تکڑے ہو کر بھیک مانگتے ہو، بڑی شرم کی بات ہے۔ اس کے جواب میں فقیر صاحب نے اپنے پیدائشی حقوق کا اعادہ کرتے ہوئے ان سے دست برداری سے معذوری ظاہر کی اور اب میں یہ سوچنے لگا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ اس بدتمیز سے کم از کم سویٹر اور قمیص ہی چھین لی جائے۔ میرے دوست نے کہا، یہ مناسب نہیں ہے،
मगर हजरत वो किसी ने कहा है कि दर्द उससे पूछिए जिसके जिगर में टीस हो। मैंने कहा ख्वा इधर की दुनिया उधर हो जाए, मैं इस मूजी को ये चीजें हरगिज हरगिज हजम ना करने दूंगा। मैंने अब उस मोहताज की तलाश कराई, मुलाजिम उसे तलाश करने गया। मैंने इधर फकीर साहब को लिया अड़े हाथों, मैंने कहा अरे भाई तुम नौकरी क्यों नहीं करते? वो कुछ जल कर बोला आप ही रख लीजिए। मैंने फौरन रजामंदी जाहिर की और 10 रुपए माहवार और खाना तजवीज किया। फकीर साहब इसके जवाब में बोले और घर वालों को जहर दे दूं? मैंने कहा क्यों? वो बोला आप 10 रुपए देते हैं, 2.5 आना रोज का तो गाय रिजक खाती है, और 1 बीवी 3 बच्चे 5 रुपए में गुजर कैसे हो? अच्छा गाय भी है तुम्हारे पास? मैंने मुतज्जिब होकर पूछा। वो बोला साहब आप बड़े आदमी हैं, हम भला कहां से पैसा लाएं जो रोज 3 सेर दूध खरीदें। सफा नंबर 15। क्या 3 सेर? मैंने मुतज्जिब होकर कहा। तीन सेर? भाई 3 सेर का खर्च कैसा? मालूम हुआ कि खैर से खुद हसरत 2 सेर दूध यौमिया नोश करते हैं। मैं फिर तनख्वाह के सवाल पर आया तो उसरत की शिकायत करते हुए 30 रुपया माहवार का खर्च घर का बताया और कायल होकर कहा कि अगर कबों बेश किसी रोजगार में इतनी कमाई हो जाए कि तंगी तुर्शी से भी घर का खर्च चल जाए तो फकीरी छोड़ने को अभी तैयार हैं। अब मैं अपने दोस्त की तरफ देखता हूं और वो मेरी तरफ। फिर मालूम हुआ कि हजरत दोपहर के कैलूला के सख्त आदी हैं और किसी सूरत में भी दोपहर में तो काम कर ही नहीं सकते। वैसे हर तरह कोई पेशा धंधा नौकरी गरज जो भी बताओ उसके लिए हाजिर हैं। अब आप ही बताइए मैं उसको क्या जवाब देता? मेरा वो हाल कि मरे पर सौ दुर्रे। इतने में मुलाजिम आया, बावजूद सख्त तलाश के वो मोहताज उसे ना मिला। अगर मेरे दोस्त ना होते तो गालिबन मैं इस मूजी से जरूर कपड़े छीन लेता, मगर मैंने और तरकीब सोची। मैंने कतई तौर पर फकीर साहब से कहा मैं तुम्हें इस हरामखोरी की सजा दिए बगैर हरगिज नहीं जाने दूंगा, 50 दफा कान पकड़कर उठो बैठो और खबरदार जो फिर कभी इस तरफ का रुख किया। फकीर ने गुस्से के शोले मेरी आंखों में देखे। मुमकिन है कि यही सोचा हो कि स्वेटर और कमीज दोनों बिल्कुल साबुत हैं, सौदा फिर भी बुरा नहीं। निहायत ही खामोशी और सादगी से आपने डंडा और प्याला अपना एक तरफ रखा, झोली और माला उतार कर रखा और तहमद और ऊंची करके कसरे लगा कि मैंने डांटा बदतमीज। इसके जवाब में वो मुझे निहायत ही मुतमईन करके फरमाते हैं नीचे जांगिया पहने हूं, उठने बैठने में तहमद मुखल होगी। लेकिन मैं चूंकि सजा देना चाहता था लिहाजा मैंने इसकी भी इजाजत दे दी। अब ये हजरत एक हुंकार के साथ बड़े जोर से हूं करके बगैर कान पकड़े हुए पहलवानों की तरह एक सपाटे के साथ पांव सरकाकर बैठक लगा गए। बदतमीज बेहुदा, मैंने जलकर कहा याद रखो तुम्हें पुलिस को दे दूंगा, कान पकड़कर सीधी तरह उठो बैठो। 2 दफा उनको मैंने कान पकड़वाकर उठना बैठना बताया और ये हजरत सजा भुगतने में मशगूल हो गए। ये हजरत मेरी पुश्त की तरफ थे और हम दोनों दोस्त फकीरों को बुरा भला कहने में मशगूल हुए।
सफा नंबर 16। एकदम से मुझे ख्याल आया कि कान पकड़ी गालिबन 50 दफा हो चुकी है। मुड़कर मैंने देखा तो सूरत के साथ चारी थी। मैंने पूछा तो वो बोला कि 110 दफा की। मैंने कहा बस बस अब जाओ, मैंने तो 50 दफा को कहा था, ज्यादा क्यों कर ली। वो बोला साहब 500 बैठकें रोज लगाता हूं, मैंने सोचा कि अब बार बार कौन करता फिरे, लाओ यहीं पूरी कर लूं। अरे मैंने इस कमबख्त को ऊपर से नीचे तक गौर से देखते हुए कहा, क्या तू पहलवानी करता है? वल्लाह मैंने गोया अब इसको गौर से देखा, कान टूटे हुए, सीना और शाना और पटी, खूब कसरती बदन। वो जवाब देते हैं वैसे तो नहीं कहता हुजूर, शहर के जिस पट्टे से जी चाहे लड़ा लीजिए। मैंने कहा कमबख्त जी, मैं तो यही आता है कि तेरा और अपना सर मिलाकर लड़ा लूं। निकल यहां से अभी अभी निकल। अरे कोई है, निकालो इसे। जल्दी जल्दी उसने अपनी झोली वगैरह उठाई और सैकड़ों दुआएं देता हुआ चला गया। और कमबख्त मुझे इंतहा से ज्यादा पस्त और शिकस्त, जल्दी जल्दी उसने अपनी झोली वगैरह उठाई और सैकड़ों दुआएं देता हुआ चला गया। और कमबख्त मुझे इंतहा से ज्यादा पस्त और शिकस्त खुर्दा हालत में छोड़ गया। इस मूजी का बुखार मैंने और फकीरों पर निकाला, किसी को ना दिया, टांट कर भगा दिया कि एक अरसे के बाद क्या देखता हूं कि खड़े हुए मुलाजमा से बहस फरमा रहे हैं। वो कहती है कि जाओ आगे बढ़ो, और आप फरमाते हैं कि हमें इस घर से हमेशा मिलता है। इधर मैं जो आया तो फौरन मुझे इस अमर की शहादत में पेश करते हैं और टेप का बंद, अल्लाह भला करे कुछ साईं को भी। मैंने उसे पकड़ लिया कि आज तुझे ना छोड़ूंगा। सही अर्ज करता हूं कि इस मूजी से कोई मन भर लकड़ियां फड़वाई, चश्म जदन में फाड़ फाड़ कर बराबर की और मेरी कुर्सी के पास आकर मेरे पैर दाबना शुरू कर दिए और वही सदा बुलंद की, अल्लाह भला करे, अल्लाह भला करे, अल्लाह भला करे। अरे कमबख्त छोड़ मुझे, अरे कमबख्त छोड़, मैंने बेताब होकर कहा, क्योंकि मुझे ऐसा मालूम हुआ कि मेरी पिंडलियां कोई लोहे के शिकंजे में धर के दाब रहा है। लकड़ियों की फड़वाई शायद दुआ ने दिए, कमीज और मांगने लगा। वो ना दी तो बदमाश कहता है भूखा हूं। अजीम बेग चुगताई, सफा नंबर 17। मश्क, सवालों के जवाब लिखिए। सवाल नंबर 1, मुसन्निफ को फकीरों से क्यों बोस था? सवाल नंबर 2, मुसन्निफ को पहले फकीर पर क्यों रहम आया? पहले फकीर का हुलिया कैसा था? सवाल नंबर 3, हट्टे कट्टे फकीर को देखकर मुसन्निफ की क्या हालत हुई? सवाल नंबर 4, मुसन्निफ ने जब फकीर को नौकरी की पेशकश की तो उसने क्या तनख्वाह मांगी और क्यों? इसी के साथ ये सबक खत्म हुआ। गुलजारे उर्दू भाग 2 का दूसरा पाठ यहाँ समाप्त हुआ। इसके बाद पाठ 3 आता है। प्रस्तुति CIET NCERT।